अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फरियाल वका। नाज़रीन, नई हुकूमत के साथ बहुत सारा नया सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ, नई चीज़ें भी सामने आई। उनमें से कई चीज़ें हमें पसंद आती हैं, कई हमें पसंद नहीं आती। कुछ चीज़ों पे हमारी आवाम खुश दिखाई देती है तो कहीं पर नाराज़ भी दिखाई देती है। और अभी हम अगर बात करें तो बहुत सारे निजी अखबारों की सुर्खी एक ख़बर हमें बनी दिखाई दे रही है कि सरकार जो है वो एवेल्यूशन करेगी, हुकूमत एवेल्यूशन करेगी उन अफसरान की जो 17 ग्रेड से 21 ग्रेड के अंदर फॉल करते होंगे। उनकी 20 साल कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा और फिर ये फैसला किया जाएगा कि उनको मजीद सर्विसेज में रखना है या फिर उनको रिटायर कर दिया जाएगा। दूसरी जानब हमें ये भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि हुकूमत जो है वो जल्दी जो है वो रिटायर करने की तरफ आ रही है, 55 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाएगा, पेंशन नहीं दी जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारी आवाम की क्या राय होगी, लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि हमारी हुकूमत जो है वो इसकी तरदीद करती है। मिस्टर शहबाज गिल की अगर हम बात करें जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के, वो इसकी वाज़े तौर पे ट्विटर के ज़रिए तरदीद कर चुके हैं कि हुकूमत ऐसा कुछ नहीं करने जा रही, ये तमाम तर अफवाहें सिर्फ वो लोग फैला रहे हैं जो अकाउंटेबिलिटी से या एहतसाब से या फिर एवेल्यूशन से डरते हैं, जो करप्शन करते हैं और उनको ये डर है कि इमरान खान जो है वो उन्हें नौकरियों से निकाल देंगे, तो सिर्फ उन लोगों को इसका डर है। अलबत्ता हुकूमत ऐसा कुछ नहीं करना चाह रही, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ सरकारी अफसरान से और हमारी आवाम से, हमारी यूथ से ये जानने की कोशिश करें कि क्या अकाउंटेबिलिटी और एवेल्यूशन सरकारी मुलाज़मीन के लिए भी ज़रूरी है या नहीं, और इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं इस हवाले से कि गवर्नमेंट जो है वो एवेल्यूशन करने जा रही है जितने भी सरकारी अफसरान हैं 17 से लेकर 21 ग्रेड तक, उनकी कारकर्दगी की सारी रिपोर्ट जो है वो ली जाएगी और चेक किया जाएगा कि उनकी कारकर्दगी किस तरह की रही, और फिर एवेल्यूशन की जाएगी कि उनको रिटायर करना है, खैराबाद कहना है या मजीद सर्विस उनसे करवाई जाएगी। इस तमाम तो सूरत हाल पर राय लेंगे मेरे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। वाइस चेयरमैन बासा शेख इम्तियाज़ महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। शेख साहब, ये जो हमें पता चला कि हुकूमत जो है वो एक नया एक करने जा रही है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा हुकूमत की तरफ से, एक अच्छा एक्शन होगा कि जितने भी सरकारी अफसरान होंगे 17 से 21 ग्रेड तक ख़ास तौर पर उनकी कारकर्दगी जो है उसका जायज़ा लिया जाएगा और फिर कारकर्दगी की बिना पर फैसला किया जाएगा। देखें, अभी तक इसके बारे में कोई इन राइटिंग जो है वो चीज़ कुछ सामने नहीं आई, ये एक अफवाह है शायद, या अभी हुकूमत इस पर या काम कर रही है, लेकिन हमारी नॉलेज में इसमें वक्त ये चीज़ नहीं है। ठीक है, एज़ फॉर एज़ हमारी पर्सनल ओपिनियन, आप चाहें कि इस पर क्या होनी चाहिए, जो हुकूमत अगर जो है वो कम करे रिटायरमेंट की एज, तो उसमें काफ़ी सारे जो हमारे लोग हैं जो 17 से 22 तक हैं, वो काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं और उनमें कुछ अच्छे लोग भी होंगे और कुछ जो है उनकी कारकर्दगी जो है वो शायद अप टू द मार्क ना हो, तो इसका फ़ायदा ये होगा इंशाल्लाह अगर हुकूमत करे। मैं अपनी एक पर्सनल राय आपको दे रहा हूँ कि जो लोग जिद्दत पसंद हैं वो आगे आएंगे। आप देखें, अब हर डिपार्टमेंट जो है उसमें IT रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और हमारे IT जो है वो पुराने ज़माने में इतना नहीं होता था जिस तरह कि अब है। अब IT के लोग आ रहे हैं और IT का जो है ये समझ लें सड़कों से लेके और हमारे जो सीवरेज सिस्टम से लेके हर चीज़ में काम, हर चीज़ में जो है वो IT रिफॉर्म है, GIS सिस्टम आ गए हैं, ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम आ गई है, हत्ता कि लोग घरों में बैठ के अब काम करना शुरू हो गए हैं, अपनी ड्यूटी घर से गाड़ी से कहीं भी खड़े करके दे सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जो लोग जिद्दत पसंद हैं वो ऊपर आएंगे, और जो लोग अभी वो पुराने अभी जो मेंटेलिटी से काम कर रहे हैं उनकी जो है वो रिटायरमेंट हो जाएगी। अच्छा, आपको लगता है कि नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए उसी फ्रिक्वेंसी के साथ, उसी फ्रिक्वेंटली नए लोग आएंगे ताकि नए माइंड्स आएंगे, नए टेक्निक्स आएंगी, तो ये बताइएगा कि जो एवेल्यूशन है वो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी होती है, तो अगर हुकूमत इस इकदाम की तरफ जाती है तो ये अच्छा होगा? जी, मेरा ख्याल है कि अगर एज कम करके और रिटायरमेंट की जो एज कम कर दी जाए, इससे जो है हुकूमत की कारकर्दगी में बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो एक समझ लें कि नई सिम्मत की तरफ जा रही है और वो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, हम उतनी तेज़ी से तरक्की नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ऊपर ब्यूरोक्रेसी का,
अगर एक इंसान का ग्रेड, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेड 21 के हैं, तो अगर उनको पाकिस्तान की आईटी का इंचार्ज लगा दिया जाए तो वो आईटी को नहीं समझ रहे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? आईटी का हेड लगाने के लिए आईटी की एक पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब आप देखें कि हमें सानिया कामरान साहब, सानिया साहबा को वो लाना पड़ा है जो आईटी के लिए, तो अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग ऊपर आ जाएं तो हमें किसी नॉन इलेक्टेड या नॉन पाकिस्तानी जो है बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है शेख साहब, ये बताइएगा कि आम तौर पे सरकारी नौकरियों की तरफ सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होती है लोगों की, वो सबसे ज़्यादा होता है कि वो एक जॉब सिक्योरिटी है, दूसरा ये कि उनका बुढ़ापा जो है वो सिक्योर है, पेंशन की मद में वो लोग जो है वो अपने आप को बड़ा सिक्योर फील करते हैं। तो अगर पेंशन में जिस तरह से खबरें हम सुन रहे हैं कि पेंशन में भी कुछ कमी की जाएगी, उसके तरीकाकार को भी चेंज किया जाएगा, तो कैसा रहेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पेंशन और जो उनके फंड्स वगैरह हैं वो साथ साथ कटौती होती रहती है। ठीक है। और जब भी वो रिटायरमेंट लेते हैं उनका जो पैसा जो है वो अकाउंट्स में जमा होता है वो उनको मिल जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। वो ये ज़रूर होगा कि 5 साल बाद शायद उनके पैसे बढ़ जाएँ, तो 5 साल पहले अगर रिटायरमेंट हो रहे हैं तो वो कोई फ़ंड जो होते हैं जो ऑटोमेटिकली उनकी तनख्वाहों से कटते होते हैं, वो जितने उनके बने होते हैं और उन पर जितना भी इंटरेस्ट बना होता है वो उनको मिलता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब बाकी अलाउंसेज और फैसिलिटीज वगैरह जो उन्होंने लेनी थी रिटायरमेंट के बाद, अगर 60 साल के बाद मिलनी थी वो 55 में मिल जाएगी। जी, बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि किस, अगर हुकूमत इस इकदाम की तरफ जाती है तो जितनी एक कमेटी बनाई जाएगी जो इंक्वायरीज करेंगी, जो इवेल्यूशन करेंगी, उनको फिर हुकूमत को बड़ा सोच समझ के सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी हमें फिर ऐसे चाहिए कि जाहिर है कि जिनकी खुद की कारकर्दगी इतनी अप टू द मार्क हो कि वो दूसरों की इवेल्यूशन कर सकें। अभी आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मेरिट का सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया, वो पूरे पाकिस्तान में किया। आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि वज़रा को जो है वो घर भेजा जा रहा है। कभी आपने पहले सुना था कि किसी वज़ीर को, जो सिटिंग वज़ीर है उसको किया गया? नेवर एट ऑल। और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हमारे अपने बंदे भी अकाउंटेबिलिटी में जो है वो आ रहे हैं, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और जो भी हुकूमत क्राइटेरिया बनाए, अगर बनाए, तो मुझे अभी तक कोई रिटर्न नहीं मिला। बिल्कुल रिटर्न नहीं है अभी, हुकूमत के भी आपसे नहीं, मैं अपनी पर्सनल राय से जो है वो दे रहा हूँ कि हमने वासा में भी मेरिट का निज़ाम किया, 59 सब इंजीनियर्स हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पहली दफ़ा वासा की तारीख में हमने भर्ती किए, और यकीन करें उनसे जब मैं मिला हूँ तो वो इतने बेहतरीन बच्चे सामने आए हैं कि जो में कॉन्फिडेंस भी है, जो इंग्लिश भी बोलते हैं, जो प्यार से मोहब्बत से बात भी करते हैं, और उनको मुल्क का जो है वो दुख भी है उनको कि ये क्या हो रहा है, तो फ्रेश लोग सामने जब आएंगे ना तो वासा भी तरक्की करेगा। इसी तरह मैं पूरे पाकिस्तान में करूँ कि जो लोग जो हैं आईटी की से, आईटी से वो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जैसे आपने देखा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 8-9 लाख लोग जो हैं वो निकले, जो अमीर लोग थे और वो ले रहे थे, तो वो आईटी रिफॉर्म्स के थ्रू हुआ। इसी तरह अगर आईटी रिफॉर्म्स हो जाए फाइनेंस में, रेवेन्यूज़ में, तो आपके कई लोग जो बीच में इसमें दो नंबरियां करते हैं ना, वो इंशाल्लाह ताला वो आईटी ही पकड़ लेती है। अच्छा, मेरिट और करप्शन इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं? हमारी हुकूमत का मेरिट पे और करप्शन पे किसी किस्म का कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये खान साहब ने अलग ऐलान कह दिया है, और हमें खान साहब पे पूरा यकीन है क्योंकि हम खान साहब के साथ उस वक्त से लगे हुए हैं जब हम उनकी बातें सुनते थे और हमें नहीं पता था कि हमने आगे जाके क्या बनना है, क्या लड़ना है, क्या नहीं लड़ना, लेकिन खान साहब की एक करप्शन के नारे की वजह से हम इस पार्टी में शामिल हुए थे, और हमें खान साहब पर पूरा यकीन है कि वो करप्शन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमें भी यही अहकाम जारी किए गए हैं वज़ीर आला साहब की तरफ से भी और खान साहब की तरफ से भी कि किसी किस्म की कोई करप्शन जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाए। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। नाज़रीन, हम लोग मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या ख्याल है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि सरकारी अफसरान की अगर कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा और फिर उस पर डिसाइड किया जाएगा कि मज़ीद उनसे काम करवाना है या फिर उनको रिटायर कर देना है सज़ा के तौर पर, तो ये हुकूमत अगर ये इकदाम करती है तो ये बेहतर होगा? जी बिल्कुल बेहतर होगा, और इससे दूसरे आने वालों को भी एक पता चलेगा कि ये हमें काम करना है कि नहीं करना। ठीक है, और दूसरा ये काम बिल्कुल होना चाहिए।
हर आदमी को जो अफसर जो लगा हुआ है उसे पता होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है और आवाम के मुफाद में करना है। ठीक है, तो अगर इससे आवाम का फ़ायदा होता है तो ये डेफिनेटली होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, इनका कहना है कि अगर इससे आवाम का फ़ायदा होता है तो सरकारी अफसरान को भी यकीनन इस बात का इल्म होना चाहिए, ये डर खौफ होना चाहिए कि अगर वो काम करेंगे तो ही उनको नौकरी पे रखा जाएगा, वरना उनको भी फारिग किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि सरकारी अफसरान की एवेल्यूएशन करने जा रही है हुकूमत, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं? जी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये सरकारी अफसर ये समझते हैं कि ये हमारे बाप की जागीर है, काम नहीं करते, दो बजे आते हैं, दो घंटे दफ्तर में बैठते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, चले जाते हैं। ये इनको पता कि हमें किसी ने पूछना नहीं है, पूछने वाला कोई ना है, उनको पता हमें पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए वो फ्री होके कर रहे हैं। ये हुकूमत का अच्छा फैसला है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरी सिक्योर होती है, इसलिए उनको डर खौफ कोई नहीं होता कि काम करें या ना करें, हमारी नौकरी तो पक्की है। जी जी बिल्कुल यही बात है, तो ये होना चाहिए, बल्कि जो नए आएंगे उनको भी ये नसीहत होगी कि हमने काम करना है। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। बताइएगा कि हमारे यहाँ इस तरह का निज़ाम हमेशा से चलता आया है कि हुकूमत की नौकरी, सरकारी नौकरी जो है वो बहुत पक्की समझी जाती है और वो बड़ी सिक्योर होती है, लेकिन अभी हम ये समझ रहे हैं कि शायद हुकूमत जो है वो इन चीज़ों के अंदर भी कोई रिफॉर्म्स लाए, कुछ चेंजेस लाए, अलबत्ता इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तरदीद भी हो चुकी है, लेकिन क्या समझते हैं कि सरकारी अफसरान की भी उसी तरह से इवेल्यूशन ज़रूरी है जिस तरह से प्राइवेट नौकरियों में होता है? जी जी, जाहिर सी बात है, अगर देखें सर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनके अंदर आप जाएं तो वहाँ पे पूरा क्रॉस एंड चेक होता है कि ये बंदा किस तरह काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, और उसकी डे बाय डे एक एक चीज़ चेक की जाती है। हाँ, सरकारी नौकरी में एक लेवरेज ज़रूर होता है, इसको पक्का समझा जाता है, पर होना चाहिए। अगर हुकूमत इस तरह का कोई इकदाम कर रही है तो बड़ा अच्छा कर रही है। सरकारी अफसरों को भी पता लगना चाहिए कि हमारे ऊपर एक तलवार लटक गई है आपसे और हमें काम करना पड़ेगा, तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सरकारी मुलाजमीन जो होंगे उनको भी फिर अपनी जिम्मेदारी का एहसास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा इकदाम होगा अगर हुकूमत इसको करती है तो, लेकिन हुकूमत जो है वो इसको करती है या नहीं करती ये तो हुकूमत की मर्ज़ी है। मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और इस तमाम तर सूरत हाल पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं FBR के एक्स चीफ कमिश्नर मिस्टर मुस्तफ़ा अशरफ साहब, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पूछना चाहूँगी आपसे मुस्तफ़ा साहब के ये जो तमाम तर सूरत हाल अभी हमारे मुल्क में ओवरऑल चल रही है, इदारे जो हैं उनमें काफ़ी चेंजेज़ आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आवाम खुश होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आवाम खुश नहीं होती। अभी अलबत्ता ऐसी कोई ख़बर हुकूमत की तरफ से नोटिफाइड नहीं है, हुकूमत इसकी तरदीद भी कर चुकी है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सरकारी अफसरान ख़ास तौर पे 17 ग्रेड से लेके 21 ग्रेड तक उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर उनकी एवेल्यूएशन की जाए तो ये आवाम के लिए, इदारों के लिए बेहतर होगा या नहीं? जी ये आजकल जो मीडिया में आ रहा है वो कुछ इस तरह की बात की जा रही है कि 3 कमेटियाँ गवर्नमेंट ने बना दी हैं जो के जो सिविल सर्वेंट हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करेंगे। एक कमेटी है ग्रेड 1 से लेकर 16 तक जी। दूसरी है ग्रेड 17 से लेकर 19 तक जी। और तीसरी कमेटी है 20 से लेकर 22 तक जी। ये जो इस तरह की बातें आजकल हो रही हैं ये कोई नई बात नहीं है। माजी में बहुत दफ़ा ये कोशिश की गई कि ये जो 60 ईयर की एज है इसको कम करके 58 कर दिया जाए, बल्कि अगर आपको याद होगा तो PTI की गवर्नमेंट में पिछले साल एक तजवीज़ पेश की गई थी कि जो रिटायरमेंट की एज है इसको 62 कर दिया जाए, बल्कि KPK की जो हुकूमत है उन्होंने इसको अप्रूव भी कर दिया था लेकिन बाद में इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और शायद दूसरे सूबे जो हैं उन्होंने इससे इत्तफाक नहीं किया होगा। जहाँ तक तो रिटायरमेंट का ताल्लुक है तो मैं ये अर्ज़ करूं कि जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं, यूरोप हो गए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ या अमेरिका, वहाँ पे रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 से भी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा है। तो रिटायरमेंट का ताल्लुक जो है वो एज से रिलेट करना शायद इतना मुनासिब इसलिए नहीं बनता कि आपने परफॉर्मेंस देखनी है। बाज़ लोग हैं जो 55 से कम ईयर के हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, और बाज़ ऐसे हैं कि जिनकी एज 60 से ज़्यादा है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा अच्छी है। ठीक है। जो एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल हैं
जिस पे लिखा भी जा चुका है कि जो किसी भी जो प्रोफेशनल शख्स की जो बेस्ट परफॉर्मेंस की एज होती है, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि वो 60 से लेकर 69 ईयर ऑफ एज की होती है। अच्छा, दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोफेशनल। ठीक है, तो जहाँ तक एज है, इसको मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि इसको बुनियाद ना बनाए, बल्कि असल चीज़ जो करने वाली वो ये है कि इनकी परफॉर्मेंस लोगों की एवेल्यूएट की जाए। हो सकता है कि उसकी 5 साल नौकरी हो और वो इस काबिल ही ना हो कि वो नौकरी करे, और ये भी मुमकिन है कि उसकी एज 55 या 58 हो और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा, मतलब शुरू से देखें, ये नहीं कि 10 साल सर्विस वालों को पकड़ें, 20 साल सर्विस वालों को पकड़ें, आप शुरू से पकड़ें, एंड से पकड़ें, ओवरऑल उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इस तरह के फैसले किए जाने चाहिए, एज पे नहीं किए जाने चाहिए। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि पेंशन के अगर बेनिफिट्स चेंज करती है या फिर कोई बेनिफिट्स जो है वो उन पर कट लगाया जाता है तो ये कैसा होगा? देखिए, जो पेंशन का निज़ाम है पाकिस्तान में, ये निज़ाम दुनिया के दूसरे ममालिक में मतरूक हो चुका है। इवन के भारत में 2005-06 में ये निज़ाम ख़त्म हो गया था। उसकी वजह ये है कि वो लोग जो पेंशन लेते हैं उनकी तादाद जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, और ये हुकूमत पे बहुत बड़ा एक बोझ है जो आने वाले सालों में ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आएगा। तो जो अच्छे मसाले हैं दुनिया में, जैसे कि आज ही फेडरल मिनिस्टर ने बात की है कि वो शायद मलेशिया का एक निज़ाम जो है उसको स्टडी कर रहे हैं और कुछ तरामीम के साथ शायद उसको लागू करेंगे। मतलब ये है कि बजाय इसके कि गवर्नमेंट पेंशन दे, पेंशन फंड क्रिएट होना चाहिए ताकि नौकरी के दौरान गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करे और वो जो एम्प्लॉई है वो भी कंट्रीब्यूट करे, और वो फंड जो है वो किसी जगह पे इन्वेस्ट हो जाए और उसका बेनिफिट उस मुलाजम को पहुँचे, और गवर्नमेंट सिर्फ ये करे कि जब वो शख्स कोई रिटायर्ड हो तो उसका एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए कि रिटायरमेंट के वक्त उसको मुनासिब पैसे मिल जाएं ताकि उसके बाद जो कुछ भी उसने करना है वो करे। ठीक है, सरकारी नौकरियों में जहाँ पे सिलेक्शन का एक प्रॉपर तरीकाकार है, वहीं पे उनको नौकरी से फारिग करने का भी प्रॉपर तरीकाकार होता है। कहीं पे भी आप किसी भी वक्त किसी को प्राइवेट नौकरी की तरह टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो उसमें ये बताइएगा कि उसमें बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि लोग जो हैं वो अपनी हाई सिक्योरिटी ऑफ जॉब को लेके इतने ज़्यादा वो होते हैं लापरवाह कि वो अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं कर रहे होते कि नौकरी को तो कोई ख़तरा नहीं है, तो क्या उन्हें कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए कोई अकाउंटेबिलिटी का? देखें, सरकारी नौकरी का अलमिया यही है कि हर कोई ये समझता है कि जब मैं नौकरी में आ गया हूँ तो अब मुझे निकाला नहीं जा सकता। बिल्कुल, इसीलिए आप देखें कि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कारकर्दगी उस हवाले से बहुत कम है अगर आप इसका मुवाजना प्राइवेट सेक्टर से करें कि जिसको हर किस्म के हायरिंग और फायरिंग का अख्तियार हासिल है, वो जब चाहे बंदे को निकाल देते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वह हर डिपार्टमेंट के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसको KPIs कहते हैं, उस बात का तय्यन करें और इस तरह उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाए। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी हो और उस KPI पे पूरे उतरें मुलाजमीन, तो उनको मुलाजम जो है उसमें रखा जाए और जो बाकी हैं उसको फारग कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, और प्रॉपर तरीक़ेकार के ज़रिए जी, उसका एक बाकायदा निज़ाम है। पूरी दुनिया में ये निज़ाम है, पाकिस्तान में भी ये निज़ाम अपनाया जा सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी इसमें। जी जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल बेहतरी। अच्छा, ये बताइएगा कि आवाम जो है वो इस पर बड़ी बाज़ हमें ऐसे नज़र आता है कि आवाम कहती है कि अच्छा इससे कौन सा नए आने वाले ठीक हो जाएंगे, इससे कौन सा डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि अगर हम ये वैल्यूएशन सख्ती से करते हैं तो इदारे जो हैं वो बेहतर कारकर्दगी दिखाने में हमें कामयाब होते नज़र आएंगे? देखिए जी, जहाँ तक तो इस बात का ताल्लुक है कि 55 साल के लोगों को रिटायर करके नए लोग आएँ तो उससे कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी, हाँ, इस बात में तो मैं समझता हूँ कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट का नुक्ता नज़र शायद ये है कि अगर 55 साल का बंदा रिटायर्ड हो जाएगा तो बहुत सी पोस्टें अवेलेबल हो जाएंगी, तो नतीजतन जो नए लोग हैं उनको नौकरियां मिल जाएंगी। लेकिन ये भी साथ सोचना चाहिए कि 55 साल का जो बंदा है वो अभी उसमें काफ़ी पोटेंशियल है, वो काम कर सकता है। तो आप एक ऐसे तजर्बाकार बंदे को 30 साल की नौकरी के बाद, जबकि वो कुछ डिलीवर करने के काबिल होता है, आप उस बंदे को फारग कर देते हैं और नए लोग जो हैं वो आप उसको ले आते हैं। वो नया बंदा जो है वो 4-5-10 साल सीखने में लगाता है और उसके बाद ही वो शायद इस काबिल होगा कि वो इस जो है वो किसी किस्म की कोई पब्लिक डिलीवरी दे सके। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप जो नए बंदे रखें उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करें, नंबर 1। नंबर 2, कि जो
आईटी का निज़ाम है उसको आप बुरे कार लाएं। अच्छा, उसमें ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आईटी के निज़ाम को लेके, क्योंकि नई नई चीज़ें तो अब आनी शुरू हुई है, टेक्नोलॉजीज नई अब इंट्रोड्यूस हुई हैं, हम लोगों ने उन सिस्टम्स को अब इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जो पुराने लोग अभी चलते आ रहे हैं, हो सकता है वो उन चीज़ों को उस तरह से ना समझते हों, तो हमें आईटी के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, नए चेंजेस के लिए नए लोगों को भर्ती तो करना पड़ेगा। नहीं देखिए, वो है टेक्निकल लोग। अच्छा, वो तो लोग सिस्टम में आते रहते हैं जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं, वो आएंगे, वो उसके हवाले से ये बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट कहती है कि हमने लोगों को नौकरियां भी देनी है, जो लोग बेरोज़गार हैं उनके रोज़गार का भी इंतज़ाम करना है, और शायद उन्होंने इसका आसान तरीका ये निकाल लिया है कि 55 साल से ज़्यादा लोगों को रिटायर करके शायद उनको हम नौकरी दे सकेंगे। लेकिन आईटी का अगर हमने फॉर एग्जांपल किसी को हेड बनाना है जी, तो वो हम किसी अगर 50 साल को 55 साल वाले को बनाएंगे तो हो सकता है कि वो उस तरह से नई आने वाली चीज़ों को ना समझते हो, ना जानते हो, जिस तरह से हमारी अभी की जनरेशन समझती है। देखें, ये एक टीम होती है, ठीक है, मसलन ये अभी जिसका मैंने जिक्र किया कि कमेटियाँ बननी है, लोगों को फारग कर रहे हैं, आप अंदाज़ा करें कि ये लोग जो ये काम कर रहे हैं उनकी अपनी उम्र 80 साल से ज़्यादा हैं। अच्छा, और वो इस बात को तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने 55 साल से ज़्यादा उम्र का बंदा नहीं रखना, और ख़ुद वो अभी तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो तरीक़ेकार ये होता है कि आप प्रोफेशनल हायर करते हैं जिस तरह आईटी के सेक्टर के लोग हैं, और फिर उसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो लोग तजर्बाकार होते हैं, अगरचे उनको खुद आईटी का नहीं होता या पुराना उनका नॉलेज होता है, लेकिन उनको पता है कि काम में प्रॉब्लम क्या है और इसको ठीक कैसे करना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय के लिए। जी नाज़रीन, किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की में उसकी यूथ का किरदार बहुत ज़्यादा होता है, हमारे फ्रेशर्स का किरदार बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आने वाले वक्त में मुल्क को संभालने वाले होते हैं, फ्यूचर होते हैं, तो लिहाजा उनसे भी हम इस हवाले से पूछेंगे कि क्या समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो सरकारी जो दफातर हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, सरकारी इदारों में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक टैक्स कंसल्टेंट, और ये यूथ हैं हमारे मुल्क की, तो इनकी राय हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, बताइएगा कि जो हम सुन रहे हैं आजकल हमारे निजी अखबारों में ये सुर्खियाँ बनी हुई हैं कि आपने जो 17वें ग्रेड से लेके 21वें ग्रेड तक के अफसरान होंगे उनकी एवेल्यूएशन होगी, फिर देखा जाएगा कि अगर वो कारकर्दगी ठीक नहीं की उन्होंने पिछले 20 सालों में तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ऑल दो हमारी हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारी तरफ से ये अफवाह है, लेकिन आपकी राय क्या होगी कि अगर हम ऐसा करें, एवेल्यूएशन का जो प्रोसीजर है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए तो फ़ायदा होगा हमें? जी डेफ़िनेटली, ये कोई नई बात नहीं है, पिछले अतवार में भी ऐसी बातें होती रही हैं, और शायद ये आजकल के दौर में देखा जाए तो ये वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का या गवर्नमेंट सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर हम वर्ल्ड ओवर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में वो जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनका साइज़ शायद बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और सर्विस डिलीवरी जो है वो शायद उस तरह से नहीं हो रही। डेफ़िनेटली लोगों को शिकायत भी होती हैं और हैं, लेकिन इसमें यह है कि अगर कोई भी काम करना हो तो वो जितने रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड करके ही किया जा सकता है, और करना भी ऐसे ही चाहिए, यही रिकमेंडेड होगा। ये गवर्नमेंट भी पिछले एतवार की तरह आने से पहले इन्होंने काफ़ी सारी इस तरह की बातें की और इन चीज़ों का इजहार किया, अपने मैनिफेस्टो में भी किया, वक्तन फवक्तन वैसे भी डिफरेंट मौक़ों पर करते रहे, अभी तक कर रहे हैं कि जी ऐसा हम करेंगे, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे, इस मकसद के लिए मुख्तलिफ कमेटीज़ भी बनी और इस पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करके ये काम किया जा सकता है और करना चाहिए, और रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो होती है, हमेशा ही होती है, होनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट। तो एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट को जो चीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, जो कि मीडिया में भी आ रही है और हम पिछले कुछ अरसे से बार बार सुन रहे हैं, जो फाइनेंस और रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो गवर्नमेंट का पेंशन बिल और सैलरी का बिल है वो उनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, और वो बजट पे गवर्नमेंट के अपने ही अल्फाज हैं उनके एडवाइजर्स के, मिनिस्टर्स के, कि वो एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं, सरकारी खजाने के ऊपर बड़ा जी बिल्कुल वो बहुत बड़ा बोझ है, और दुनिया ने इस सिलसिले में ऑलरेडी बहुत कुछ मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करके इससे किसी ना किसी तरीके से या कोप अप कर लिया या छुटकारा हासिल कर लिया। इवन इंडिया में इसकी मिसाल मौजूद है कि वो भी इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने इसको स्ट्रेटजी ऐसी बनाई है कि इसको कोप अप करने का तरीका उन्होंने कोई ना कोई निकाला है। तो मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो जैसे आपने शुरू में कहा कि अकाउंटेबिलिटी कोई उससे इनकार नहीं कर सकता, सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए, राइट साइजिंग का अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि उसकी भी ज़रूरत है,
लेकिन वो इन हमारे जो हमारी जो लोकल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और हमारे यहाँ पे जो हकीकतें हैं, हमें उनको सामने रखते हुए इसका फैसला करना होगा और सारे लोगों को साथ लेके चलना बिल्कुल होगा। बिल्कुल सही, हमें पेंशनर्स को भी देखना है, हमें यंग हमारी जनरेशन है जो फ्रेशर्स हैं उनको भी अकोमोडेट करना है, तो एक बड़ी जो है वो एक न्यूट्रल लेवल के ऊपर रह के पॉलिसी मेकिंग हमें करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। नाज़रीन, एक ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और जैसे कि हमेशा से हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी आवाम की राय, कोई भी मसला हो, कोई भी मामला हो, सबसे ज़्यादा हुकूमतों के लिए और हमारे लिए भी ज़रूरी होती है कि हमारी आवाम उस हवाले से क्या कहती है, क्या समझती है। तो हम लोग जो है वो एक कीमती राय अपनी आवाम की इसी तरह से जानने की कोशिश करते रहेंगे और इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि अगर हुकूमत जो हमारे सरकारी अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेती है और फिर उस बिना पर जजा और सज़ा का कॉन्सेप्ट सरकारी नौकरियों में भी नज़र आता है, तो क्या ये बेहतर होगा हमारे लिए? बिल्कुल बेहतर होगा। इस क्या तरह समझते हैं? इस तरह से जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं एटलीस्ट वो सामने आएंगे और जो बेकार सरकारी खजाने पर बोझ बने हुए हैं उनको फुर्सत मिलेगी। आप समझते हैं कि सरकारी खजाने के ऊपर बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और इसीलिए अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है? बिल्कुल, तभी तो मैं ये कह रहा हूँ। तो क्या पैगाम होगा हुकूमत को आपका इस हवाले से? बिल्कुल, ऐसा कोई इकदाम होना चाहिए ताकि जो अकाउंटेबिलिटी है वो प्रोसेस हो, पूरा कंप्लीट हो और सही लोगों को सामने लाया जाए और जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको फारिग किया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको बिल्कुल फारिग होना चाहिए। हुकूमत अगर ऐसा कुछ नहीं भी कर रही तो फिर भी लोगों की ये राय है कि हुकूमत को ऐसा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा कि इदारे हमारे बेहतर हो जाएंगे, कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी अगर हुकूमत सरकारी नौकरियों में सरकारी अफसरान की भी अकाउंटेबिलिटी शुरू करे, क्योंकि सरकारी नौकरियां पाकिस्तान में बड़ी सिक्योर समझी जाती हैं। लोग समझते हैं कि हम काम करें या ना करें हमारी नौकरी जो है वो पक्की है, तो अलबत्ता हुकूमत अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाह रही, लेकिन अगर करना हो तो क्या वो बेहतर होगा? जी मेरी पर्सनल राय यही है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नो डाउट। जिस तरह प्राइवेट जॉब्स हम लोग कर रहे हैं वहाँ भी हम लोगों को वॉच किया जाता है हमारी परफॉर्मेंस की बेस पे, हमारे इंक्रीमेंट्स और फर्दर हमारी परफॉर्मेंस की बेस पे हमें जो है वो प्रमोट किया जाता है। सो गवर्नमेंट में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर तो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं ज़्यादातर लोग और अपनी ज़िम्मेदारी नहीं दिखाते। आप किसी भी सरकारी इदारे में जाएँ तो आपको आपका कोई भी काम होगा डेफिनेटली आपको उसके लिए रिश्वत देनी पड़ेगी और उस मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो होनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या समझते हैं करप्शन अभी भी है, क्योंकि करप्शन के नाम पे, करप्शन को ख़त्म करने के नाम पे तो ये हुकूमत आई? करप्शन तो नहीं कह सकते, इस गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद थी, मैं खुद भी सपोर्ट करता था, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो चीज़ें नहीं देखने को मिल रही और वो चीज़ें अब हम जो दावे किए गए थे पीटीआई की तरफ से वो नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके अंदर खुद उनके अंदर इंसाफ नहीं है। उन्होंने खुद जो अभी क्राइसिस आया था, शुगर क्राइसिस और आटे का जो आया था उसके अंदर वो जो स्कैंडल था उसके अंदर वो खुद कह लें कि उसको शफाफ तरीके से उस पर इंसाफ नहीं दिया, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी होगी। हाँ, आपकी ये राय है। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, हम मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ एक और भी शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बताइएगा कि अकाउंटेबिलिटी जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर्स में होती है उस तरह से पब्लिक सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अगर हो तो इससे इदारे बेहतर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि शायद आइंदा वक्त में हुकूमत भी इस तरफ आएगी और 17-21 ग्रेड के अफसरान की अकाउंटेबिलिटी होगी। डेफिनेटली इफ यू वांट अ चेंज इन दिस कंट्री देन यू शुड गो फॉर द अकाउंटेबिलिटी जस्ट लाइक द पब्लिक सेक्टर्स। अगर पब्लिक सेक्टर्स के अंदर आज इम्प्रूवमेंट्स है और उसकी रीज़न सिर्फ अकाउंटेबिलिटी है या परफॉर्मेंस बेस्ड है, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है, आज PTCL की इज अ लाइव एग्जांपल वी हैव। पास में PTCL गवर्नमेंट जब अकाउंट था उस टाइम क्या स्टेटस था उसका, आज वो प्राइवेट अकाउंट हो चुका है तो उसका क्या स्टेटस है, यानी थिंग्स यू कैन ईजी क्लियरली लुक आउट। तो आई पर्सनली सजेस्ट आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप और गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अभी तो हुकूमत इसकी तरदीद करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हुकूमत के बारे में ये भी बातें सुनने में आई कि बजट के ऊपर, सरकारी बजट के ऊपर थोड़ा सा कमी करने के लिए लोगों को जल्दी रिटायर कर दिया जाएगा और उन्हें पेंशन नहीं दी जाएंगी प्रॉपर उस तरीके से, तो आप समझते हैं कि ऐसा कुछ अगर हुकूमत करे तो? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान जिस तरह एक है अंडर डेवलपिंग कंट्री है तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड डिसीजन के पेंशन देनी चाहिए उन लोगों को, डेफिनेटली जो ओल्ड एज पीपल हैं, बिकॉज पाकिस्तान वो वेलफेयर स्टेट तो है नहीं जस्ट लाइक यूरोपियन स्टेट्स कि आपको बैकअप पे कोई ऑप्शन दे दें या अदर कोई एक्सपेंस आपको एक कॉन्टीन्यूस फंड आपके साथ लगा अटैच कर दिया जाए।
तो आई थिंक पेंशंस तो कंटिन्यू रखनी चाहिए उनको, लेकिन अकाउंटेबिलिटी आई प्रेफर के होनी चाहिए, तो अकाउंटेबिलिटी होगी तो चीज़ें ठीक होंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं आप कि अगर हुकूमत ये इकदाम करती है कि सरकारी अफसरान के कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा सज़ा के तौर पर, या फिर जो बेहतर कारकर्दगी वाले होंगे उनको मज़ीद नौकरी करने दी जाएगी, अगर हुकूमत ऐसा इकदाम करती है तो क्या इदारे बेहतर हो जाएंगे? हुकूमत को चाहिए कि जो काम करने वाले लोग हैं उसको तो चाहिए उसको परमानेंट रखें वो, लेकिन जो नहीं करने वाले हैं उनको निकाल दें। लेकिन बात यह है कि उसका वो फ्री में तनख्वाहें ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, वो हुकूमत के ऊपर बोझ बने हुए हैं, तो उनको निकाल देना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये हुकूमत अपने मामलात भी ठीक करे, अपने मामलात को भी थोड़ा सा कवर करें। अच्छा, तो जिनको निकालेंगे उनके क्या बगैर पेंशन के निकाल दें या उनको पेंशन उनकी दे दें? क्योंकि पेंशन के बारे में भी अभी चल रही है ना अफवाहें। नहीं, पेंशन जो काम करने वाले नहीं है उनको पेंशन कैसे देनी चाहिए? अच्छा, वो फ्री में तनख्वाहें ले रहे हैं, ठीक है, उसका क्या फ़ायदा? ठीक है, वो मतलब उनको कोई बेनिफिट ना मिले। नहीं, वो तो अब फारग बैठ के वो तनख्वाहें ले रहे हैं फिर पेंशन लेंगे, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत? मैं तो पैगाम को यही देना चाहूँगा कि तब्दीली इसने कहा था, तब्दीली क्या तब्दीली है कि लोगों को बेरोज़गार कर रहा है, ये तब्दीली है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बेरोज़गारी नहीं होनी चाहिए, बेरोज़गारी हमें रोकनी है, लेकिन साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है, और जिन लोगों की पेंशन बनती हैं, जिन लोगों ने सर्व किया है उनकी पेंशन भी उन्हें मिलनी चाहिए, ऐसा कहना है हमारे लोगों का, हमारी आवाम का। मज़ीद इस हवाले से भी बात करेंगे जी नाज़रीन, इनसे हम इस हवाले से राय लेंगे, क्योंकि जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी आवाम की राय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वाले सलाम। ये बताइएगा कि 17 ग्रेड to 21 ग्रेड इस तरह की अफवाहें या ख़बरें हम तक पहुंच रही हैं, लेकिन हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है फ़िलहाल कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी शुरू की जाएगी, कारकर्दगी की बुनियाद पर रिटायर कर दिया जाएगा या फिर फर्दर सर्विसेज ली जाएंगी, ये डिसाइड होगा, आप क्या समझते हैं कि इससे इदारे बेहतर काम करेंगे? जी, मेरे ख्याल में ये एक अच्छी पॉलिसी है अगर इसे ऑल टुगेदर अप्लाई किया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इदारों के अंदर एक स्टेटस को का सिलसिला चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो काम करते भी नहीं हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं आती। लेकिन सारी दुनिया में इंटरनेशनली तो ये वाले स्टैंडर्ड्स ही चल रहे हैं, जो लोग काम करते हैं उन्हीं को प्रमोट किया जाता है। हमारे सरकारी इदारों में बस सीनियरिटी वाला चक्कर है, एक दफ़ा आप भर्ती हो गए हैं 60 साल तक आपने वही काम करना है, आप काम करें या ना करें आपको एक जैसा इंक्रीमेंट मिलेगा, आपकी एक जैसी मुराद है। लेकिन यह है कि परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला नहीं है। अगर आप इस तरह की स्ट्रेटजी करना चाहते हैं, इसमें से जो काम करने वाले लोग हैं मेरा ख्याल है उनके लिए ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, जो कि अपने मिडिल कैरियर में है, वो अगर मेहनत करते हैं तो उनको दोबारा वही महकमा हायर कर लेगा अगर वो महकमे की ज़रूरत होंगे तो, क्योंकि महकमे तो फिर भी चल रहे हैं। इससे ये होगा कि जो लोग काम नहीं करते और जो लोग बस सरकारी नौकरी को उसी तरह लेके चल रहे हैं कि बस एंड में पेंशन भी मिलेगी ये वो, तो मेरा ख्याल है ये एक बेहतर हिकमत अमली है। लेकिन ये है कि इसके ऊपर अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो लोगों की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जो पैरामीटर सेट किए जाएँ वो बड़े रियलिस्टिक हों, ऐसी हवा में ना हो, सिर्फ अपनी पसंद के लोगों को रखना लिया जाए। आमतौर पे हमारे मुल्क में तो यही होता है कि जो गुड बुक्स में होता है उसी को प्रमोशंस मिलती है, तो ये ना हो कि इस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बाद भी यही कुछ होता हो। अगर सही परफॉर्मेंस KPIs ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है, आमतौर पर हमारे मुल्क में भी ऑलरेडी इस गवर्नमेंट से पहले भी इस तरह की पॉलिसीज बहुत सारी जो कॉरपोरेशन टाइप की कंपनियाँ हैं जो कि ऑटोनोमस किस्म की कंपनीज हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, उसमें ये पॉलिसी ऑलरेडी किसी हद तक इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई है। तो आगे हमने अपने मुल्क के अगर बर्डन्स कम करने हैं, अपने अदारों की प्रोडक्शन बढ़ानी है, उनकी परफॉर्मेंस को आउटपुट को ज़्यादा करना है, तो मेरा ख्याल है ये एक बेहतर हिकमत अमली हो सकती है। लेकिन ये है कि अगर आप इसको पूरे स्पिरिट के साथ इंप्लीमेंट करें। बिल्कुल ठीक है, मतलब जिन्होंने अगर ये इंक्वायरी होती है और ये जो अकाउंटेबिलिटी करने वाले लोग होंगे उनकी भी प्रॉपर पहले से अकाउंटेबिलिटी हुई हो, मतलब और वो बड़ा एक न्यूट्रल सा डिसीजन करें, मतलब ये है कि इस तरह के प्रॉपर सर्वेस कराए जाएं कि किसी महकमे के लिए कितने अफराद की ज़रूरत है, उसको कितने मैन आवर्स चाहिए, उसका कितना रेवेन्यू है, इसको सेट किया जाए। आमतौर पे ये है कि हमारे सारे ही गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे जो हैं वो लॉस में चल रहे हैं। अब जो इदारा ऑलरेडी लॉस में चल रहा हो उस पर इतना ज़्यादा सैलरीज का बोझ डालना भी तो अच्छी बात नहीं होती ना। तो अगर आप प्रॉपर सर्वे करते हैं कितना काम है, कितना रेवेन्यू है, कितने हमने पैसे कमाने हैं, बेरोजगारी का एक हर तरफ खतरा नज़र आता है, मज़ीद बढ़ जाएगी, तो इस अगर सरकारी नौकरियों से भी लोग इस तरह से फारिग होने लगेंगे तो फिर क्या करेंगे लोग? नहीं, बेरोज़गारी तो एक हमारा बड़ा हमागीर किस्म का मसला है, उसको किसी और तरीके से हल करना चाहिए, नए वेंचर्स तलाश करने चाहिए। ये वाला प्रोसेस मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट कर रही है वो शायद इसलिए कर रही है कि किसी तरह अपने डेट बर्डन को कम किया जाए, अपने अदारों को प्रॉफिटेबल बनाया जाए, शायद वो इसलिए कर रही है। इसके पीछे बेरोज़गारी या गैर बेरोज़गारी का तरीका मेरा ख्याल नहीं है। जहाँ तक अर्ली रिटायरमेंट का ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि
हमारे मुल्क में जो लोग 60 साल की उम्र तक जाकर रिटायर होते हैं और जब वो सीनियर पोजीशंस पे इतनी उम्र में जाकर पहुंचते हैं, कैपेसिटी के वाले से वो ऑलमोस्ट कह लें कि 50% भी नहीं रह गए होते हैं। अच्छा। तो अगर किसी बंदे को विल दी जाए कि अगर वो यंगर एज में रिटायर करना चाहता है और उसको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी भी मिल जाती है रिटायरमेंट की कंपनसेशन, पेंशन उसको ना भी दी जाए, तो वो उसके साथ अपना कुछ नया कुछ कर सकता है मामला। तो इसलिए ये है कि सारी चीज़ें बेहतरी में है और अगर लोग जल्दी रिटायर होंगे तो यंग लोगों की एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा मौके पैदा होंगे। बिल्कुल ठीक है जी, मुख्तलिफ किस्म की जो ओपिनियंस है वो हमारे सामने हैं। कहीं पर लोग ये कह रहे हैं कि जब लोग 60 साल की उम्र तक पहुँचते हैं तो वो अच्छा भला काम कर सकते हैं, कहीं पर लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें जल्दी रिटायर कर देना चाहिए ताकि उन्होंने जो अपना फर्दर कोई बिजनेस करना है या आगे इन फ्यूचर उन्होंने जो काम करना है वो करने की कैपेसिटी उनके अंदर मौजूद हो और वो अपनी यंग एज में या फिर अपने तमाम तर जिस तरह से वो सेहतमंदाना एक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उसी प्रोफाइल के अंदर वो अपना नया काम शुरू कर सकें। तो ये मिली जुली लोगों की राय है जो हमारे सामने आ रही है कि हुकूमत अगर इस तरह का कोई इकदाम करेगी तो उससे क्या सिचुएशन होगी। जी नाज़रीन, और जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी आवाम किसी भी हवाले से क्या बात करती है, तो अपनी आवाम से हमने पूछा है, हमने कुछ सरकारी लोगों से भी पूछा है, नौकरियों वालों से भी पूछा है और अभी हम जिनसे बात करने वाले हैं वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और पूछेंगे कि उनकी क्या राय है इस हवाले से, क्योंकि फ्रेशर्स की हमारे जो नए लोग प्रोफेशन में आते हैं उनकी भी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि अभी एवेल्यूएशन का प्रोसीजर अगर हुकूमत शुरू करती है, जी जी अभी तो हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत 17-21 या जो भी हुकूमत की मर्जी हो उन ग्रेड्स की इवैल्यूएशन करती है कि कौन लोग हैं जो स्टेट को वाकई सर्व कर रहे हैं और कौन है जो नहीं कर रहे, तो फिर उस बिना पे वो सजा और जजा वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई किया जाएगा, तो क्या समझती हैं ये जरूरी है? मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप होगा गवर्नमेंट का कि वो मतलब एनालाइज करेगी और देखेगी उन लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये बात की जाए कि इसमें थोड़ा सा फिर ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, जैसे कुछ जूनियर हैं कुछ सीनियर्स हैं, अब जाहिर बात है जो जूनियर्स हैं वो तो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि अब जो हमारे सीनियर्स हैं उनका हमसे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हम उनसे लर्न कर रहे हैं। तो हमारे मेडिकल का कुछ सिस्टम इस तरह का है कि हमें अपने सीनियर से सीखना होता है और हमारे लिए वो सीनियर सीनियर होता है, उसको मतलब एक सीनियर है उसको आप जूनियर के बराबर लगा दें तो मेरे ख्याल से वो कुछ ठीक नहीं अच्छा, होगा। मतलब अगर अगर जो रिटायरमेंट है उसको भी वो कहते हैं कि 50-55 इसके अबाउट कर देंगे तो समझती हैं कि ये नहीं ठीक है? ये भी ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, तो 60 के अराउंड ही ठीक है रिटायरमेंट। और कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनमें सीनियर और जूनियर्स का जो है वो एक फ़र्क रहना चाहिए, जैसे कि हमारा मेडिकल प्रोफेशन है जिसमें जूनियर्स हमेशा सीनियर से सीखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अगर ये देखना चाहती है कि कौन ठीक काम कर रहा है ठीक नहीं काम कर रहा, तो इसका उनका एक अपना क्राइटेरिया ज़रूर होना चाहिए, लेकिन सीनियर्स और जूनियर्स को आप एक बराबर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सीनियर्स नहीं होंगे तो प्रैक्टिकली आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। बहुत जी, सारे प्रोफेशन में हर जगह पर सीनियरिटी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ और बताइएगा कि बात हो रही है कि इससे इदारों की कारकर्दगी बेहतर करने की कोशिश करेगी हुकूमत। ज़ाहिर है जब अकाउंटेबिलिटी होगी लोगों को डर खौफ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी में आके लोग ये समझते हैं कि काम करें या ना करें नौकरी पक्की है। देखें, अकाउंटेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए और भी काफ़ी तरीके हो सकते हैं। मतलब फिर मैं यही कहूँगी कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जिनमें ये फ़र्क होता है और वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि एक बायोमेट्रिक शुरू की गई, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का एक निज़ाम शुरू किया गया जो कि बहुत अच्छा निज़ाम था, मतलब जो हाजिरियाँ लोग मतलब रैंडम लगा देते थे या साइन कॉपी कर, वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह के कुछ और इकदाम इस नई गवर्नमेंट को करने चाहिए। ठीक है, मतलब ये रिटायरमेंट वाला प्रोसीजर ना करें, फायर करने वाला प्रोसीजर ना करें, कोई और प्रोसीजर जो है वो उसमें अप्लाई किए जा सकते हैं अगर मकसद सिर्फ अकाउंटेबिलिटी को चेक करना हो। तो नाज़रीन, ये मुख्तलिफ मिली जुली जो राय थी लोगों की वो हमारे सामने आई है। कहीं पे लोग इस इकदाम से खुश हैं, कहीं पे हमें कुछ रिजर्वेशंस भी उस हवाले से सुनने को मिली हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ करती है या हुकूमत का ऐसा कोई इरादा भी है तो फिर हुकूमत को उसको बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर रख के चेक करना होगा और देखना होगा कि जो नए आने वाले लोग हैं उनको भी मौका मिले और बेरोज़गारी भी ज़्यादा ना बढ़े। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।